So today we'll start shortage of first. So here we have two or three different algorithms regarding the CPU scheduling and process scheduling. So out of that, the first was FCFS, and today we'll see shortest job first, then round robin algorithm. Okay, shortest job first. अब इसमें शॉर्टेज जॉब फर्स्ट में हम एक्चुअली नाम ही इसका हमें पता है कि इट इज द प्रोसेस एग्जीक्यूटेड विच हैव द शॉर्टेस्ट जॉब. जिसका शॉर्टेस्ट जॉब है, जिसका बर्स्ट टाइम शॉर्ट है, कम है, पहले उसको एग्जीक्यूट करो. लेकिन अगर बीच में अगर टाई आता है, दोनों प्रोसेस का सेम बर्स्ट टाइम आता है, सो एट दैट टाइम apply first come first serve, apply first come first serve. तो यहां पर अगर हम बात करें arrival time हम नहीं लेंगे यहां पे. पहले simple सा अगर हम बात करें कि shortage job first कैसे schedule करता है या फिर कैसे use करता है. So different approach to process scheduling than any other of scheduling algorithms. So this is one of the algorithm which uses shortest job first. So this algorithm associates with each process, the length of the process, next CPU burst. When the CPU is available, it is assigned to the process that is smallest next process burst, processor burst. अब यहाँ पर एग्जाम्पल है नॉन प्रियम, ये नॉन प्रियम्प्टिव भी हो सकता है, ये प्रियम्प्टिव भी हो सकता है. नॉन प्रियम्प्टिव हमें पता है कि जब तक प्रोसेस ये चलता है, ये बीच में उसका प्रोसेस रुकेगा नहीं. सो दैट इज नॉन प्रियम्प्टिव. इट विल नॉट प्रीएम्प्ट, दैट मीन प्रोसेसर विल नॉट प्रीएम्प्ट फ्रॉम वन प्रोसेस टू अनदर. कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग यहां पे होता नहीं जब तक कि पूरा एग्जीक्यूशन ना हो जाए. जब तक पूरा एग्जीक्यूशन नहीं होता है, तब तक ये एग्जीक्यूशन रुकेगा नहीं. ठीक है, सो दैट इज कॉल्ड एज नॉन प्रीएम्प्शन. और प्रीएम्प्शन कैसे कि बीच में अगर प्रोसेस कोई हायर प्रायोरिटी प्रोसेस अगर अराइव होता है, तो उसको फिर हम एग्जीक्यूट करते हैं, पहले उसको एग्जीक्यूट कराते हैं. सो दैट इज प्रीएम्प्शन. तो यहां पर अगर हम बात करें एग्जांपल, सिंपल सा एग्जांपल लेता हूं कि एक प्रोसेस है, इसके अलावा मैं दूसरा एक प्रोसेस लेता हूं, P1 P2 P3 एंड P4. P1 P2 P3 P4. सो 6 8 7 3, ये प्रोसेस दिए हैं और ये उसके बर्स्ट टाइम दिए हैं. प्रोसेस है और बर्स्ट टाइम है. अब यहां पर SJF हम नॉन प्रीएम्प्टिव SJF यहां पे अप्लाई करते हैं. नॉन प्रीएम्प्टिव SJF अप्लाई जब करते हैं हम यहां पे, तब हमें कैलकुलेट करना है वेटिंग टाइम, एवरेज वेटिंग टाइम, एंड व्हाट वी कैन से दैट इज कंप्लीशन टाइम, टर्न अराउंड टाइम. तो बेसिकली यही क्वेश्चन पेपर में एवरेज वेटिंग टाइम ही पूछा जाता है, ना कि कोई और दूसरा. ठीक है, तो यहाँ पर हम एक जैंट चार्ट बनाते हैं, और जैंट चार्ट के लिए मुझे सिंपल क्या चाहिए यहाँ पे, नंबर ऑफ प्रोसेसेस कितने यहाँ पे एग्जीक्यूट होंगे. तो हम सिंपली क्या करते हैं, यहाँ पे इन सारे जो प्रोसेस या ये इतने सारे जो प्रोसेस है, इनका कैलकुलेशन करते हैं. ये 7 3 10 18, ये 24 तक आएगा, तो मुझे 25 कम से कम यहाँ पे बॉक्सेस निकालने पड़ेंगे अप्रोक्सीमेटली. ऐसा जरूरी नहीं कि ये इतना इसमें ही खत्म हो जाएगा, लेकिन ये हम एक अजम्पशन है हमारा कि जितना टोटल बस टाइम हम निकालते हैं, उस बस टाइम
के रिलेटेड ये सारे चीजें हम यहाँ पे, ये बॉक्सेस हम यहाँ पे निकालते हैं. सो वन बॉक्स इज नथिंग बट वन प्रोसेस यूनिट. तो ये एटलीस्ट 24-25 बॉक्सेस हमें यहाँ पे ड्रॉ करने पड़ेंगे सो दैट वी कैन इजीली कैलकुलेट द एवरेज वेटिंग टाइम, टर्न अराउंड टाइम, बस टाइम तो दिया है यहाँ पे, अराइवल टाइम कोई दिया नहीं है. इसका मतलब ये है कि सारे प्रोसेसेस ये एट द टाइम जीरो अराइव हो रहे हैं. ये सारे इट अराइव्स सॉरी ऑल प्रोसेसेस अराइव्स एट टाइम जीरो. ये सारे टाइम जीरो पे ही अराइव हुए. यहाँ मतलब इसका ये कि रेडी क्यू में ऑलरेडी P1, P2, P3, P4 ये सारे प्रोसेसेस ऑलरेडी अवेलेबल है. तो यहाँ पर शॉर्टेज ऑफ फर्स्ट कौन सा आएगा? ऑब्वियसली P4 आएगा, क्योंकि यहाँ पे इसका शॉर्टेस्ट जॉब जो है, शॉर्टेस्ट जो है ये P4 है. तो पहले P4 आएगा. और कितनी देर तक चलेगा ये प्रोसेस? ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. अभी ये तो डिपेंड करता है कि कितने प्रोसेस होते हैं इसके अंदर. तो ऑब्वियसली यहाँ पे हम क्या करते हैं कि यहाँ पर जो तीन तक ये प्रोसेस चलेगा, तो यहाँ पे हम इसको मिटा देते हैं. यस डेफिनेटली इट विल वर्क फॉर अप टू 3 यूनिट्स. तो ये तो उसका नाउ दिस P4 इज डन. उसके बाद नेक्स्ट शॉर्टेज जॉब कौन सा है? तो P1 है. शॉर्टेज जॉब नेक्स्ट कौन सा है? P1 है. तो यहाँ पे हम P1 को कॉल करेंगे. लेकिन कितने यूनिट तक चलेगा ये? 6 यूनिट तक चलेगा. मतलब यहाँ पे ये 9 तक चलेगा. 1, 2, 3, 4, 5, 6. तो मुझे यहाँ पे ये मिटा देने पड़ेंगे. यहां तक ये प्रोसेस एग्जीक्यूट करेगा, करेक्ट है ना? 6. तो ये आएगा P1. और ये भी मैं मिटा देता हूँ ना बीच में, ये इसकी जरूरत ही नहीं है मुझे. मुझे पता है 6 + 3 = 9. उसके बाद नेक्स्ट शॉर्टेस्ट ये P1 इज डन. नेक्स्ट P3 है. और ये कितने देर तक चलेगा? 7 यूनिट तक चलेगा. मतलब उसके बाद 9 + 7, 16 तक तो ये चलेगा ही चलेगा. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. तो 16 तक चलेगा. मैं इसको मिटा देता हूँ 16 तक. ठीक है. अब यहां पर ये इसको भी मिटा देते हैं हम नीचे, जरूरत नहीं है हमें. हमें पता है 9 + 7 = 16. तो ये 16 है यहाँ पे. और कौन सा जाएगा यहाँ पे प्रोसेस? P3. अभी बचा कौन सा है? P2 बचा है. नाउ दिस P1 इज डन, P3 इज डन, P4 इज डन, एंड लास्टली P2 इज अवेलेबल अप टू 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 and this 8. तो ये मैं इसको पहले पूरा मिटा देता हूँ, फिर हम डायरेक्टली इसको अटैच कर देंगे इसके अंदर. रेडी क्यू से हम रनिंग क्यू में लेके आएंगे. रनिंग क्यू में ये एग्जीक्यूट होगा अप टू हाउ मच टाइम यूनिट? अप टू 8 टाइम यूनिट. तो ये आएगा P2 और ये +8 आएगा यहाँ पे. तो ये 24. तो ये 24 तक यहाँ पे चलेगा. अब मुझे बताइए यहाँ पे इसका कंप्लीशन टाइम क्या है. अब आपको पता चला P4 का कंप्लीशन टाइम है 3. हम P1 से लेते हैं. P1 का कंप्लीशन टाइम ये 9 है. P2 का कंप्लीशन टाइम ये 24 है. P3 का कंप्लीशन टाइम 16 है. और P4 का कंप्लीशन टाइम ये 3 है. तो ये तो हुआ CT. अब CT है, आपको मिल गया CT. तो टर्न अराउंड टाइम मतलब TA आपको मिलेगा कंप्लीशन टाइम माइनस अराइवल टाइम. अराइवल टाइम क्या है? 0. कंप्लीशन टाइम माइनस अराइवल टाइम
तो ये तो अराइवल टाइम तो जीरो ही है सबके, तो यहाँ पे टर्न अराउंड टाइम और कंप्लीशन टाइम में कोई फर्क नहीं है। तो कंप्लीशन टाइम जो है वो है यहाँ पर टर्न अराउंड टाइम, क्योंकि ऑल प्रोसेसेस अराइव्ड एट टाइम जीरो, तो इसमें कोई बदलाव तो होने वाला नहीं है। ओके, और नेक्स्ट चीज क्या है, यहाँ पे हमें वेटिंग टाइम निकालना है। तो वेटिंग टाइम के लिए हमें टर्न अराउंड टाइम माइनस बर्स्ट टाइम, टर्न अराउंड टाइम माइनस बर्स्ट टाइम। तो पी वन का क्या आएगा यहाँ पे, पी टू का क्या आएगा, पी थ्री का क्या आएगा और पी फोर का क्या आएगा। तो ऑब्वियसली पी वन का अगर हम बात करें, टर्न अराउंड टाइम है 9 और बर्स्ट टाइम है 6, तो ऑब्वियसली यहाँ पे पी वन का वेटिंग टाइम कितना आया, 3 आया। पी टू का टर्न अराउंड टाइम कितना है, 24 है, माइनस बर्स्ट टाइम 8 है, तो इसमें 16 आएगा। पी थ्री का टर्न अराउंड टाइम है 16 और बर्स्ट टाइम है 7, तो ये आएगा 9। पी फोर का 0, क्योंकि ये तो यहां पे दिखता है ना आपको, वेटिंग टाइम 0, पी फोर का वेटिंग टाइम 0 ही है, तो ये है यहाँ पे वेटिंग टाइम, ये निकला वेटिंग टाइम। वैसे ही रिस्पॉन्स टाइम, अब देखिए इसमें नॉन प्रियम्प्टिव में वेटिंग टाइम एंड रिस्पॉन्स टाइम, इसमें कोई चेंजेस नहीं होते हैं। वेटिंग टाइम एंड रिस्पॉन्स टाइम, हमेशा ध्यान रखना, वेटिंग टाइम एंड रिस्पॉन्स टाइम इज ऑलवेज सेम इन नॉन प्रियम्प्टिव। नॉन प्रियम्प्टिव जब एल्गोरिथम होता है, कोई भी नया नॉन प्रियम्प्टिव हो, उसमें वेटिंग टाइम इज इक्वल टू रिस्पॉन्स टाइम होता है। रिस्पॉन्स टाइम किसे कहते हैं, सीपीयू एलोकेटेड टू फर्स्ट टू प्रोसेस फर्स्ट टाइम माइनस अराइवल टाइम। सीपीयू कब उसको मिला फर्स्ट टाइम, उस पर्टिकुलर प्रोसेस को कब सीपीयू मिला फर्स्ट टाइम माइनस अराइवल टाइम, सो दैट इज कॉल्ड एज रिस्पॉन्स टाइम। तो वेटिंग टाइम और रिस्पॉन्स टाइम में कोई चेंज नहीं होता है नॉन प्रीएम्प्टिव एल्गोरिथम में, शॉर्टेज ऑफ फर्स्ट शेड्यूलिंग एंड दिस इज प्रीएम्प्टिव। ये प्रीएम्प्टिव भी हो सकता है और नॉन प्रीएम्प्टिव भी हो सकता है। तो यहाँ पे 21403 ये इसका अराइवल टाइम है इस प्रोसेसेस का, P1, P2, P3, P4, P5 का, और बर्स्ट टाइम है 15162, ये इसका बर्स्ट टाइम है। ठीक है, हमने ये एग्जांपल लिया। अब इसमें ये प्रियम्प्टिव भी हो सकता है, नॉन प्रियम्प्टिव हो सकता है, लेकिन हम इसको नॉन प्रियम्प्टिव में ही कंसिडर करेंगे। नॉन प्रियम्प्टिव में हमें प्रियम्प्ट करने की जरूरत नहीं होती है। यहाँ पर हम अराइवल टाइम किसका कम है, पहले बस टाइम किसका कम है वो देखेंगे और कंपेयर करेंगे अराइवल टाइम के साथ में, और तब जाके यहाँ पे हम इसको रेडी क्यू से उठाकर रनिंग क्यू में हम इसको पुट करेंगे। ठीक है, सो ये एक एग्जांपल दिया है आपको कि प्रोसेस P1 टू P5 है, अराइवल टाइम ये है, बस टाइम ये है, यू हैव टू कैलकुलेट द कंप्लीशन टाइम, टर्न अराउंड टाइम, वेटिंग टाइम एंड रिस्पॉन्स टाइम। यहाँ पर मैंने फार्मूला पहले ही लिखा, मैं लिख चुका हूँ यहाँ पे। टाइम जा रहा है, टी ए इक्वल टू सी टी माइनस ए टी, डब्ल्यू टी इक्वल टू टी ए माइनस बी टी, आर टी इक्वल टू सीपीयू एलोकेटेड टू प्रोसेस फर्स्ट टाइम माइनस अराइवल टाइम। ठीक है, अब यहाँ पर पहले जैंट चार्ट निकालना पड़ेगा हमें। तो जैंट चार्ट निकालने के लिए मुझे पहले देखना पड़ेगा यहाँ पे बर्स्ट टाइम किसका कम है। यहाँ पे 1 है, 5 है, 1 है, 6 है, लेकिन ये रेडी क्यू में कौन आया है पहले, P4 पहले ही रेडी क्यू में आ चुका है। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, एट टाइम जीरो विच प्रोसेस अराइव्ड, एट टाइम जीरो विच प्रोसेस अराइव्ड, तो यहाँ पर प्रोसेस P4 इज ऑलरेडी अराइव्ड, P4 6 यूनिट तक ये एग्जीक्यूट होगा। जब ये चल रहा था इसका एग्जीक्यूशन, तो
तो अराइव कौन से हुए हैं, सारे प्रोसेसेस एट टाइम जीरो अराइव विद अ डिफरेंट टाइम लिमिट, टू वन फोर सिक्स विद इन अ सिक्स टाइम लिमिट सारे अराइव हो चुके हैं रेडी क्यू में। तो पहले हमें यहाँ पे अभी जाना पड़ेगा, सारे ये तो आ गए रेडी क्यू में, पहले कौन सा आएगा, ये रेडी क्यू है सपोज, यहाँ पे कौन सा आएगा पहले प्रोसेस, पी फोर आएगा, क्यों, क्योंकि इसका अराइवल टाइम जीरो है, अराइवल टाइम जीरो है। अब जैसा ये प्रोसेस चलेगा हम इसको यहां से निकाल के यहां पे डालते हैं, ये है रेडी क्यू, ये रेडी क्यू है और ये है रनिंग क्यू। अब रेडी क्यू से हमने प्रोसेस पी फोर को निकाला और पी फोर में डाल दिया, जब तक ये एग्जीक्यूट होता है, छह यूनिट तक एग्जीक्यूट हो रहा है, तब कौन से प्रोसेस अराइव हो चुके हैं यहाँ पे, ये पी वन भी आ गया, पी टू भी आ गया, पी थ्री भी आ गया, पी फोर तो ऑलरेडी है यहाँ पे, और पी फाइव भी आ गया। ये सारे प्रोसेस, क्योंकि इसका अराइवल टाइम बिलो सिक्स है, तो ये सारे आ गए। अब यहाँ पर कोई प्रियम्प्ट नहीं होगा, लेकिन ये पी वन हम इसको यहाँ से पी वन निकालेंगे और यहाँ पे पुट कर देंगे, रेडी क्यू से निकाला हमने और यहाँ पे पी वन कितने यूनिट तक, वन यूनिट तक, और इसका हो गया सेवन, हो गया। अब पी टू, पी वन हो गया, फिर पी टू, पी टू जब आएगा तो सॉरी पी टू नहीं, इसके पहले पी टू के पहले कौन सा आएगा यहाँ पे अराइव, कौन सा होगा, पी थ्री अराइव होगा और उसके बाद पी टू आएगा, तो पी थ्री आएगा, इसके बाद पी थ्री आएगा, वो भी वन यूनिट के लिए आएगा, ये एट हो गया, ठीक है। उसके बाद आएगा, फिर से गलत हो गया यहाँ पे, पी टू नहीं आएगा, पी फाइव आएगा, क्योंकि इसका बस टाइम कम है, हमने बस टाइम ही देखना है यहाँ पे, पी फाइव आएगा पहले, उसके बाद पी टू आएगा, पी टू सबसे ज्यादा है फाइव यूनिट, तो पहले पी फाइव आएगा और पी फाइव को हम यहाँ पे कॉल करेंगे, और कितने यूनिट तक, पी फाइव दो यूनिट तक, तो मतलब यहाँ पे ये पी फाइव और ये हो गया टेन, पी फाइव कितना है टेन, ठीक है। अब यहाँ पर ये टेन यूनिट तक आ गया, उसके बाद लास्ट में आएगा पी टू, ये फाइव यूनिट तक, मतलब वन टू थ्री फोर फाइव, ये फिफ्टीन, तो ये आएगा यहाँ पे, और मैं इसको मिटा देता हूँ, 15 यूनिट तक यहाँ पे P2, और इसको भी हम मिटा दे तो चलेगा, नहीं ये मिटेगा नहीं, ओके। तो ये लाइक दिस यू हैव टू ड्रॉ द जैंट चार्ट, तो ये हमने जैंट चार्ट ड्रॉ कर लिया है। अब यहाँ पर हमें कैलकुलेट क्या करना है, सीटी कंप्लीशन टाइम, पी फोर पी वन का कंप्लीशन टाइम कितना है, सेवन है, करेक्ट है ना, तो सेवन इसका कंप्लीशन टाइम है, पी टू का कंप्लीशन टाइम कितना है, फिफ्टीन है, पी थ्री का कंप्लीशन टाइम कितना है, एट है, देन पी फोर का कंप्लीशन टाइम कितना है, सिक्स है, और पी फाइव का कंप्लीशन टाइम है टेन, ठीक है। अब यहाँ पे टी ए कितना है, टी ए सिटी माइनस एटी, सिटी माइनस एटी फाइव, डब्ल्यू टी हमने टी ए निकाल लिया, फाइव फाइव माइनस वन फोर, करेक्ट। अब देखिए रिस्पांस टाइम क्या है, रिस्पांस टाइम सेम आएगा यहाँ पे, ये क्योंकि हमने इसको नॉन प्रीएम्प्टिव लिया है, तो वेटिंग टाइम इक्वल टू आर टी ऑलवेज देयर, सीपीयू अलोकेटेड टू प्रोसेस फर्स्ट टाइम, फर्स्ट टाइम कब अलोकेट हुआ, P1 कब अलोकेट हुआ फर्स्ट टाइम, सिक्स माइनस अराइवल टाइम फोर टू, दैट इज फोर, करेक्ट, ये हुआ पहला। फिर P2, P2 ये इसका TA कितना है, P2 का TA कितना आया, तो CT कितना है, 15 माइनस BT 10, वेटिंग टाइम कितना है इसका, TA माइनस बी टी फाइव,
अब यहाँ पे ये RT5 आएगा, हमें ज्यादा कैलकुलेट करने की जरूरत ही नहीं है, ये 5 ही आएगा. ओके, तो सीपीयू एलोकेटेड टू प्रोसेस फर्स्ट टाइम P2 कब फर्स्ट टाइम आया, 10 माइनस अराइवल टाइम. इसका वेटिंग टाइम गलत हो गया क्या, गलत हो गया कुछ तो भी. वेटिंग टाइम TA 10 माइनस BT 10 माइनस 5 और रिस्पांस टाइम, हाँ यहाँ पे गलत हो गया थोड़ा. ठीक है देखते हैं, ये शायद 10 सर टर्न अराउंड टाइम साठी सीटी माइनस 80 होतं अराइव्ड सर 10 और 14 पाहिजे माइनस, ये तो 9 आया यहाँ पे. देखते हैं फिर P3 TA कितना है यहाँ पे P3 का, ये है CT 8 माइनस 80, 8 माइनस 80 इज 4, इसका आया 4. और वेटिंग टाइम कितना आया इसका, TA माइनस BT 3, इसका देखते हैं प्रॉपर आता है क्या. RT रिस्पॉन्स टाइम P3 7 माइनस अराइवल टाइम 4 इज 3, इसका करेक्ट आया. इसका यहाँ पे कुछ तो भी गड़बड़ हो गया है, अब मैं आपको सुन नहीं पा रहा क्योंकि माइक्रोफोन तो है लेकिन हेडफोन. ओके, P4 का टर्न अराउंड टाइम कितना है, टर्न अराउंड टाइम कितना आएगा, CT माइनस BT, ये P4 का तो 0 आएगा, सॉरी TA CT माइनस BT, CT माइनस BT टर्न अराउंड टाइम, CT माइनस 80 है वो, CT माइनस 80 है, ये 6 ही आएगा. और ये बराबर है, CT माइनस 80, मैं फिर BT निकाल रहा हूँ यहाँ पे, ये करेक्ट है, ये 9 है, ये 9 है यहाँ पे, यस इट इज करेक्ट. अब देखिए यहाँ पे गलती ऐसी हो गई कि 10 माइनस 1 करना था, मैंने 10 माइनस 5 कर दिया, तो ये 9 है यहाँ पे, और यहाँ पे 10 माइनस BT सॉरी 80, 10 माइनस 1 9, तो ये तो करेक्ट आएगा ही आएगा, तो इसमें कोई चेंज तो होने वाला नहीं है.